लखनऊ में एक युवक ने नाम बदलकर एक किशोरी को प्रेम जाल में फंसा लिया। किशोरी ने जानकारी होने पर दोस्ती तोड़ दी। वहीं छात्रा ने पढ़ाई के लिए घर छोड़ा तो लखनऊ पीछा करते करते पहुंच गया, जहां शादी का दबाव बनाते हुए उसकी पर्सनल चैट वायरल कर दी। विरोध पर भी सड़क पर कपड़े भी फाड़ दिए। आपको बता दें, विभूति खंड इंस्पेक्टर डॉक्टर आशीष मिश्र ने बताया कि गोरखपुर कंपायरगंज निवासी आरिफ ने गलत नाम बताकर किशोरी से दोस्ती की थी। 11वीं में पढ़ने वाली छात्रा को जब उसके दूसरे धर्म के होने की जानकारी हुई तो उसने दूरी बना ली। इसके बाद उसकी पर्सनल फोटो वायरल करने की धमकी भी देने लगा। छात्रा के गोरखपुर छोड़ने और लखनऊ पढ़ाई करने के आने के बाद भी उसका पीछा नहीं छोड़ा। धर्म परिवर्तन कर निकाह करने का दबाव बनाने के लिए पर्सनल चैट सोशल मीडिया पर वायरल कर दी थी। थाना पुलिस ने पीड़िता की तहरीर पर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। वहीं पीड़िता के मुताबिक गोरखपुर में पढ़ाई के दौरान आरिफ से दोस्ती हुई थी, तब उसने अपना नाम सोनू बताया था। करीब एक साल बाद उसका असली नाम उसे पता चल गया। परिजनों की जानकारी होने पर पढ़ाई खराब ना हो इसके लिए उसे लखनऊ भेज दिया, जहां वास्तुखंड में किराए के मकान लेकर पढ़ाई के साथ कंपटीशन की भी तैयारी कर रही थी। धर्म परिवर्तन कर निकाह न करने की बात मनाने पर सरेआम अश्लीलता की। ब्यूरो रिपोर्ट, IPN।